आने वाले हैं, एक बार समझ लेते हैं कि नतीजे कैसे रह सकते हैं कंपनी के। और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। शरद बताइए, श्री सीमेंट के नतीजों से क्या अनुमान है? फोकस में है श्री सीमेंट, और यहाँ पे आप देखें कि स्टैंड अलोन बेसिस पे सेल्स की एस्टिमेशन है कि लगभग 16% का ग्रोथ देखा जाएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हालांकि मार्जिन्स में दबाव ज़रूर पड़ेगा, लगभग 800 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का जो है गिरावट का एक्सपेक्टेशन है 20.6% का मार्जिन्स में, और इवन आपके बॉटम लाइन नंबर्स पे। अब सेल्स वॉल्यूम पे लगभग 11% ईयर ऑन ईयर पे जो है ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन रहेगा, और ब्लेंडेड रियलाइजेशन में भी तो अच्छी एक इंप्रूवमेंट देखने मिलेगी, लगभग 4 से लेकर 5% तक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन याद रखिएगा एबिटा में जो है दबाव जरूर पड़ा रहेगा, लेकिन लो बेस के कारण जो है टॉप लाइन नंबर्स अच्छे रहने वाले हैं। वेरिएबल कॉस्ट में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने मिल सकती है क्योंकि ओपेक्स जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर होती है उसमें बढ़ोतरी का जो है उम्मीद है। ओवरऑल जो है कंपनी जो है शार्प प्राइस हाइक्स लिए थे तो उसके कारण रियलाइजेशन में अच्छी जंप मिली है। आगे देखना होगा कि डिमांड आउटलुक कैसा है आगे जाते हुए, और डिमांड के अलावा जो बिजनेस और जो प्राइस हाइक का इम्पैक्ट हुआ है बढ़ोतरी कस्टमर्स के ऊपर उसका क्या मैनेजमेंट कमेंट्री रहता है, तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा देखने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद सही जानकारी देने के लिए। तो ये थे श्री सीमेंट के नतीजों का अनुमान, और थोड़ी देर पहले आपको रोचित इस पर टेक्निकल राय भी दे रहे थे सीमेंट कंपनियों में कि आपको क्या करना चाहिए। नतीजों के पहले करीब 1.25% ऊपर श्री सीमेंट इस वक्त कारोबार भी कर रहा है। इसके अलावा सीमेंट कंपनियों पर भी आपसे राय जानना चाहेंगे। हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे थे, एनालिस्ट काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे थे इन तमाम कंपनियों पर, प्रिज्म जॉनसन, नोवोको विस्तास, रामको सीमेंट, ये जो मिड कैप कंपनियाँ हैं ये भी आज अच्छी मजबूती दिखा रही है। मंगलम सीमेंट, सभी में अच्छी तेजी आज देखने को मिल रही है। ये सीमेंट स्पेस है, इस पर क्या व्यू बन रहा है आपका, और लार्ज कैप कंपनियों के साथ जाना चाहेंगे या फिर इन स्तरों पर मिड कैप कंपनियां ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है आपको? यूजुअली हम देखते हैं जब जब भी कोई ऐसे सेक्टर्स में लार्ज कैप स्टॉक्स में कोई अच्छे मूव्स आते हैं तो उसका फॉलो अप मूव या फॉलो अप बाइंग हम मिड कैप्स में आते इंटरेस्ट आते हुए देखते हैं। बट फिलहाल क्योंकि मार्केट में एक ऑलरेडी अच्छे पुल बैक मूव आ चुके हैं तो मेरे ख्याल से करंट लेवल्स पे इतने एग्रेसिव बाइंग यहाँ पे उन मिड कैप स्टॉक्स में नहीं करनी चाहिए। ये जस्ट एक पुल बैक मूव है, यहाँ पे कोई रिवर्सल्स के अभी तक या बॉटमिंग के साइंस नहीं है। सो मे बी अगर यहाँ पे अगर कोई आप मिड टू लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देख रहे हैं और सीमेंट स्टॉक्स में निवेश करने के लिए कोई स्टॉक्स ढूंढ रहे तो ज्यादा लार्ज कैप को प्रीफर करना चाहिए, सच एज अल्ट्राटेक है, ACC है, जैसे लार्ज नेम्स पे ज्यादा प्रीफर रहना चाहिए। और मिड कैप्स में अगर कोई सस्टेनेबल रैली रहती है जहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स आगे चल के फिर से आते हैं, या फिर कोई डिक्लाइंस में अगर जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल मिलते हैं तो उसके बाद मिड कैप्स में एंट्री के लिए देखनी चाहिए। बट करंट लेवल्स में मैं नहीं कहूंगा कि यहाँ पे मिड कैप्स को फोकस करना चाहिए, बट मोर एक लार्ज कैप स्टॉक्स में एक स्टैगर्ड मैनर से यहाँ पे थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राय सीमेंट कंपनियों में आपको दे दी गई है।